वो कुछ होर तरह ने, वो किसी होर दबा दे थले ने, किसी होर दा उहदे ते परछावां होना। तो एक तरीका है कि वक्त नूं रख के नाल खलकत नूं जोड़ के उस शायरी नूं वेख्या जाए। तो बाबे भुले शाह उहनां दा वेला जिहड़ा है वह पंजाब दे उत्ते बड़ी एक खास तरह की सूरत आ रही, तारीख का टोरा टुरदिया आया उस थान पर आ गए हैं जिथे एक बजा आ राज, एक बजा आ बिहार चलाने वाले वो आप औकड़ का शिकार हो गया, बराजा पै रहे हैं। बराजे की नींह है कि टैक्सा की भरमार हो गई, लोगों के को उत्ते टैक्स जड़े ने बद के इस हद तक लग गए, तो टैक्सा तो बगैर सरकार की पूरी नहीं पैंदी, ना फौजा पलदियां ने ना वो सारा ऐशो इशरत का समान जड़ा है वह अगे टुरदा है, जिन्ना चिर वो सारा टैक्स इकट्ठा ना हो। सो टैक्स हुण लोग देण कित्थों, लोग देने देनो आतर हो गए, इनकार शुरू हो गया, अक्की सती खलकत, टैक्स की लोड, टैक्स का ना मिलना, उन्हें वो फसीला वो कंधा वो किले वो माड़िया उन्हें दराड़ा पानिया शुरू कर दती, जिन्हों राज प्रबंध किया जाता, पकड़ जड़ी वो ढिली होने लग पे, पकड़ में मजबूत करने वास्ते लोग दे उत्ते ज्यादा जड़ा सख्ती करनी पै गई, सख्ती की गई, जिंदे नतीजे च नाबरियां और वेरां जड़ियां ने वो सारे इलाके दे विचों उठियां, और उन्दे नाल बादशाही जड़ी है उस वेले दी उन्दी जो जड़ी पुरानी ताक सी वो हुण उस तरह की ताक नहीं रही। कई तरह के उजले त्रेड़ां पईयां ने ते कई तरह के टकरा जड़े कज्जे हुए सन वो कज्जे हुए टकरा नंगे होकर सामने आ गया, वो फिरकू भी ने, वो एक फिरके दे अंदर फिर फिरका बंदियां दे भी ने, वो टुरियां आंदियां जिहड़ियां फिलोसफियां सन तसव्वुफ दे हवाले नाल ते जनाब वो शरा और शरीयत दे मामले, एक शरा आले सन एक शरीयत आले सन, और कस्बी आलम बड़िया बड़िया किताबां लिखण वाले और बड़िया बड़िया बहस और मुबाहस जड़े सन वो लड़न वाले, उन्होंने झेड़े भी बदलने शुरू हो। आपो अपनी पछाण का सवाल पैदा हो गया, हर कोई जड़ा अपनी पछाण जड़ी है, लेकिन उस तरह की पछाण जिस तरह की पछाण अगलिया ने बिहार बनाई हुई सी जड़ी दिती पछाण, हिंदू दी मुस्लिम दी सुन्नी दी शिया दी आलम दी फाजल दी अहले शरीयत दी और अहले तरीकत दी, इस तरह दीयां पछाणा, इन्हां दा एक बराजा पिया है, खलकत दा कोई पुरसाने हाल नहीं, वो सत्थर पिछे ने इन्हां सत्थरां दे उत्ते ये सारे मामला जिहड़े ने नजिठे जा रहे। तो उस वेले च बाबा भुले शाह है, और भुले शाह नुमाइंदा ने खलकत दे पक्ष दे, और खलकत दे पक्ष तो ये सारी गल नूं वेखदे ने पै, ते तुसी देखोगे थां थां दे उत्ते चकदे ने जातां पातां नूं अकीदियां नूं विश्वासां नूं धर्मां दीयां बणियां शकलां नूं राज दरबार दीयां शकलां नूं, ये चगन है कि ये चग के तो करना की चाहते ने, लोग नूं की दसना चाहते ने सारी गल दे नाल, ऐसा तो नहीं कि लोग दा किसी होर गल दे उत्ते यकीन और भरवासा जड़ा है वो पक्का पै करता है, लोग नूं कोई राह पै विखांदे ने, कोई राह जड़ा पिछे पलदा आया पूरी पंजाबी शायरी दे विच पूरा सारे बाबियां ने जिन्हों असी तसव्वुफ की रस्सी बन के दी एक पासे कर देने,
और कह देने जी उन्हां दा दुनिया नाल ते कोई तालक ही नहीं सी, दुनिया नाल तालक नहीं सी ते फिर कादे नाल तालक सी। गल्लां ते सारियां शायरी दे विच उन्हां दीयां दे च उह सारियां दुनिया दीयां ही गल्लां ने, ना सिर्फ दुनिया दीयां ने बल्कि तबकियां दीयां गल्लां ने। और रब दी उस शकल दा इनकार करदे ने जिहड़ा मालकियां वालियां ने जिहड़ा मल लिया है। सो बाबा बुले शाह भी अपने वेले दे विच खलकत नूं ही ताकत देण दी गल करदा है और खलकत नूं ही इस गल दा त्राण पै बख्शदे ने कि तुहाडे इकट्ठिया होण दी लोड़ है, तुहाडे जुड़न दी लोड़ है। ये जिहड़ी उहनां दे फलसफे दे नाल भी आप जिहड़ा पूरा उतरदे ने, जिहड़ा है पछाणा दा सुझाणा वखरियां वखरियां बनाउण दा, बुल्ला मैं की जाणा मैं कौन, ये सारी काफ़ी नूं अगर पढ़िया जाए तो किन्ने करके वह पछाणा जिहड़ियां ने बणियां होईआं सिक्के बंद शनाख्तां, उन्हां शनाख्तां नूं किस तरह त्रोड़दे ते जे वह शनाख्तां सारियां टुट जाण तो इहदा मतलब भी उस विहार की पकड़ जिहड़ी उह टुटदी, और विहार की पकड़ टुट जाए और शनाख्तां मुक जाण तो फिर बाकी की बचदा, बाकी तो फिर कुल इकाई बचती है ना, और कुल इकाई का दी खलकत का एक ही बचता, खलकत ही रहती। जे ये खाने ये दर्जे ये जड़िया रूह ने बिच वंडियां पाने वाली निकल जाए तो बाकी रहेगा कि बाकी तो फिर सब एक। तो ये सारा एक करन दा, और बोली सारी दी सारी जड़ी साढ़े ना बजुर्गों ने बनाई सवारी उनकी रीत बनी, और रीत बनी लोग प्यार दी, लोग सवाल दी, और लोग दे उन्हूं अपना उजार बना के अपना हथियार बना के वर्तन दी। क्यों? बोली तो बगैर सोच नहीं होंगी। जे कोई कवे कि जनाब सोच वक्री शह वे बोली वक्री, तो कहीं भी कोई बोली लै आव जी उन्हें सोच जड़ी शुरू हो जाती, सवाल ही पैदा नहीं होंदा। जगत सियाने जड़े लोक पक्ष के जानन वाले ने, और लोक पक्ष के जानन वाले बंदे हकीकत पसंदी का इलम हुंदा उन्हां कोल समाज की कायनात की ठोस दलीलां जड़ियां साइंटिफिक ने उन्हां दा उन्हां कोल इलम हुंदा। उन्दे जानने च अगले कहिंदे ने कि सोच जड़ी है सोच दे आप बोली दे नाल इक मिक वे, इन्हां नूं त्रेड़िया नहीं जा सकता, वंडिया नहीं जा सकता। तो जिथे इस तरह की वंड पै जाए कि बोली लोगों की कोई होर है और उन्होंने बोलनी कोई होर पवे, पढ़नी कोई होर पवे, गल कोई होर करनी पवे और उनके लिए बोली कोई होर चुननी पवे, तो उन्होंने सोच का और उन्होंने बोलनी का यह आपस के पाड़ पै जाए। जड़ी बोली इख्तियार की जाती, जड़ी बोली अपनी छड़ के अपनाई जाती, वो सिर्फ बोली नहीं होंगी उनके नाल पूरी सोच भी आती। सो ये सारी जिहड़ी साडे कोल ट्रेडिशन है, साडे कोल जिहड़ी रीत है, ये एक खास तरह की सोच जुड़ी हुई है साडी जबान दे नाल। अज इहनू पढ़ना, अज इहनू विचारना, अज इहदे ते गौ करना वो इसे वास्ते जरूरी है। जे ये सारी सोच उनके नाल जुड़े, ये सारी समाज की पछाण जिहड़ी है उनके नाल आवे, और वह खलकत का पक्ष पूरे खलकत का त्राण बने, और वह बन सिर्फ अपनी जबान ही सकती, कोई दूजी जबान नहीं बन सकती, दूजी जबान बहुत पैदा कर सकती है। कलर्क पेशा तो हो सकते हैं, सर्व करने वाले तो हो सकते हैं, लेकिन जड़ा सिस्टम है जड़ा विहार है इन्दे कोलों अपने हक हकूक लैन वाले अपनी निजात का सवाल चुकन वाले वो कदी भी दूसरी बोली उन्हां दा पक्ष नहीं पूर सकते, वो सिर्फ अपनी बोली ही पक्ष पूरती और जिंदी ये रीत भी मौजूद है। ऐ नहीं हैगा कि सिर्फ वो बोली है तो जनाब ये बस एन पंजाबी और पंजाबी इंज लागू भी नहीं होनी जिवें कही जांदी है। 60 साल हो गए ने सानू सरकार दे तरले लैंदे आ, बल्कि साडा काम ही तरलेबाजी हो गए, असी इसे मिन्नत ही पक्के हो गए, बाकी सारा काम ही छड्ड दिता है कि मौला खैर करे साडी बोली लागू कर दे। भाई
ਉਹਨਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨ ਕਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੂਠੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ पिछली सारी शायरी पक्की शायरी जड़ी है वो सिर्फ शायरी नहीं वो शौर है वो सुरत है वो जागे अपना पछानन दी अपने अपनी ताकत नू जानन दी अपनी पैदावारी शक्ति नू जानन दी और न्याय और हक दी जानकारी है उन्दे च बल्कि वो यही है जैसी कहांगे कि जनाब बोली जड़ी ये असी कौन आ असी ओही है जो साड़ी बोली है लेकिन उस सोच दे नाल जुड़ी हुई बोली दी असी गल कर रहे हैं वो नहीं जड़ी वो सारी दे नालों निखड़ के किर के तो उन्दे रही खुशामद भी हो सकती उन्दे नाल चापलूसी भी हो सकती लेकिन ये सारा कुछ जे वो असल मुढ़ नालों निकली होवे असल मुढ़ नालों किरी होवे असल मुढ़ दे नाल वो जुड़दी ना होवे असां जोड़न दा आर पछाणन दा कीता ना होवे ते वो किरिया है जिहड़ा केरा उस केरे दे नाल असीं उस बोली दा हक अदा नहीं कर सकते बोली दा हक अदा होएगा उस मुढ़ दे नाल ही और उस कोल दे नाल ही बोली जिहड़ी है बोली ते लियाणी पैगी गल पहुंची किथे बोली दा अपना जड़ा पिछे पूरी रीत है पूरा जड़ा हुंदा असल है बोली साडे कोल है असीं आप नहीं वरतदे वो सरकार ने सानू देनी है असीं उहदा इनकलाबी पग पछाण के आप उहदी वरतों करिए तो कोई फर्क नहीं पैन लगा पैरालल बनना है सारा कुछ वो सरकार को नहीं लैना सरकार दे सामने जड़ा लोक पक्ष जड़ा उन्हें उजागर किया जाए लोक पक्ष जड़ा उन्हें बनिया जाए असीं सारे अपनी अपनी थां दे उत्ते अपनी जबान का इस्तेमाल कर सकने सानू किसे सरकार दे चलाए स्कूल चो पढ़ के नहीं आने सानू तो आउंदी है सारे किनू नहीं आउंदी दीन ईमान नाल अपने आप नूं हाजर नाजर करके कवे कि उन्हें बोली नहीं आती सब नूं आती सिर्फ एक रोक है एक झाके और उस झाके ने एक ऐसी गेज बना दी थी जिहड़ी ठूठा फड़ के टुरन दी तो इहदा ऐ इनकलाबी पक्ष ऐ वो थलवा पक्ष जिहड़ा है जिंदे नाल बाबिआं ने किसे बाबे ने कहा होवे फरीद साहब नूं चाहीदा सी ना जाके शहादुद्दीन गौरी नूं कहंदे या बलबन नूं कहंदे कि भलिया फारसी छड्ड मैं इहदे 'च शायरी पिया करना हूं तो सुणिआ ऐ बोली लागू कर दे मेरियां भी चार किताबां विक जाणगीआं फरीद ने तो नहीं की किसे बाबे ने भी नहीं ये किया किसे सरकार दरबार दे कोल उहनां इह गुजारिश पेश कीती होवे कि जनाब साडी बोली लागू कर दे उहनां नूं पता सी जिन्हां कोल बोली है अगर उहनां दा गांडा असां इंज करके बोली राहीं राज दरबार नाल जोड़ना है तो फिर उन्होंने तो अगे ही जुड़िया है जो खून पसीना एक पीता है जो अगले लुट के लै जाते हैं उदो बाद उन्होंने आदात गुजार भी बना दी उन्हें उस दे मुकाबले दे विच बोली सारी फारसी के मुकाबले च पंजाबी जड़ी है उनकी शायरी उनकी रीत जड़ी पक्की है तो अज उस रीत को पछाण के सानू किसे ने नहीं डकिया आया किसे ने नहीं होड़िया आया जे असी हक हकूक दे नाल न्याय दे नाल जोड़ के पिछली रीत लोकी जड़े ने वो कोई किधरों जाके अपने हवाले लैके आंदे कि जी वो पिछे साड़ी है ट्रडिशन है तो साढ़े कोल भी ट्रडिशन मौजूद साढ़े कोल ट्रडिशन है बाबियां दी और ये लोक खिलाफ बड़ी लंबी गल हो गई है गल खुश्क सी मौजू खुश्क सी रीतल ढंग का नहीं सी उस तरह के जुमले उस तरह के फिरके फिकरे जड़े ने कोई हिस्सा नहीं सन
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇਣਾ बेदी खबर ना काई पे पढ़िया कुछ समझ ना आवे लज़त अलफ दी आई अलफ अल्लाह रत्ता दिल मेरा बेदी खबर ना काई ते बे पढ़िया कुछ समझ ना आवे लज़त अलफ दी आई ऐन ते गैन दा फर्क ना जाना ऐन ते गैन दा फर्क ना जाना गल अलफ समझाई बुल्ला कोल अलफ दे पूरे दिल दी करन सफाई बुल्ला कोल अलफ दे पूरे दिल दी करन सफाई बुल्ले शाह उर्स दे मौके ते बुल्ले शाह दिहाड़ दे मौके ते अदारा फिक्रो अदब विचार सुलेख सत दी छत्तर छावे ये महफल जेड़ी के सुर संगीत दी महफल है गुण भंडार दी महफल है इस महफल दे विच बुल्ले शाह दीआं काफियां ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਬਦਰਸਗੀਰ ਵਾਦੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਬਨ 700 ਸਾਲ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ये किदा जमी जिदा पुंगरी जिदा ये वाधा होया एक दरिया बनिया ये थोड़ी जी गल करना चाहना कि दरिया अवागत दरिया नहीं आ जाता हों मुख्तलिफ नदियाँ नाले कट्ठे हो के दरिया बनना सूफी रीत का जरा दरिया है ये भी मुख्तलिफ नदियाँ नाले कट्ठे हो के बने ये ते हिंदुइज्म का भी असर है भक्ति बेपढ़िया कुछ समझ ना आवे लज़त अलफ दी आई ऐन ते गैन दा फर्क की जाना गल अलफ समझाई बुल्ला।